ये मिड टर्म एग्जाम्स के प्रिपरेशन में मैथमेटिक्स आप किस फॉर्मेट में प्रिपेयर कर रहे हो, कौन सी चीजों को पढ़ रहे हो, कौन सी चीजों को नहीं पढ़ रहे हो, कितने क्वेश्चंस को सॉल्व फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सारी चीजें मैं तो नहीं जानता। मैं ये जरूर जानता हूँ कि ये वीडियो के थ्रू अगले 25 से 30 दिनों में मैथमेटिक्स का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया होगा कि आपके मार्क्स कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ, एडुकाता में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के लिए 30 डेज का मास्टर प्लान किस प्रकार से रहने वाला है, जिसको जानने के लिए और समझने के लिए साथ में नोटबुक पेन की जरूरत होगी और वीडियो की शुरुआत एक लाइक से जरूर करना। यहाँ पे जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस। सिलेबस आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए क्या रहेगा, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में हमको पूछा था, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चों ने यही कमेंट किया था कि मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 के चार चैप्टर्स ईच जो है वो पूछे जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4, जहाँ पे मैथमेटिक्स 1 में सबसे पहला वाला चैप्टर रहेगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वेरी ऑब्वियस। सेकंड विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, थर्ड विल बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फोर्थ विल बी फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें कोई नई चीज नहीं है। अब मैंने जैसे आपको कहा था कि 25 से 30 दिनों में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और स्कोर बढ़िया कर रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स में, तो ये चार चैप्टर्स मैथमेटिक्स 1 के कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो टारगेट रहने वाला है दैट विल बी अराउंड 13 to 15 days, यानी कि 13 से 15 दिनों में इन चैप्टर्स को कंप्लीट भी करेंगे और बढ़िया स्कोर की गारंटी भी लेंगे। उसके बाद अगर बात करें मैथमेटिक्स 2 की, तो अगेन यहाँ पे भी चार चैप्टर्स आपको पता है कौन कौन से। सबसे पहले सिमिलैरिटी, सेकंड विल बी पाइथागोरस थ्योरम, थर्ड विल बी सर्कल्स, हालांकि ये बड़ा और डिफिकल्ट लग सकता है। फोर्थ इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, सबसे ईजी वाला चैप्टर। अगेन इन चार चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए, बढ़िया स्कोर लाने के लिए मैथमेटिक्स 2 में 13 to 15 days आर मोर देन इनफ। तो कुल मिला के 25 से 30 दिनों में पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट करेंगे। कैसे और कौन कौन सी चीजें पढ़नी है वो डिटेल में बताता हूँ। शुरुआत अगर अलजेब्रा के साथ करें, मैथमेटिक्स 1 के साथ करें, उसमें भी चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो यहाँ पे हर एक चैप्टर में मैं आपको पार्टीशंस में बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, 1 mark के क्वेश्चन के लिए कौन सी चीजों पर आपको ध्यान देना है, 2 mark के क्वेश्चन के लिए कौन सी चीजों पर ध्यान देना है, 3 mark के क्वेश्चन के लिए कौन सी चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहले बात करें 1 mark के क्वेश्चन के लिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में, तो सबसे पहला चीज जिस पे आपको ध्यान देना है दैट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जिस पे दो इक्वेशंस दिए उस पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके बेस पर भी 1 mark के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, प्रैक्टिस जरूर करना। उसके बाद डिटर्मिनेंट, जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड करना है, क्रैमर्स रूल के अंडर आता है ये। और तीसरी चीज, इस क्रैमर्स रूल पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें dx और dy के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जरूर पूछे जाने वाले हैं। तो इन चीजों को प्रैक्टिस जरूर करना है, इन चीजों की तरफ ध्यान जरूर देना है। दूसरी चीज, मतलब सेकंड नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करें विच इज 2 mark से क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे आपको दो चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, अगेन यहाँ पे दो इक्वेशंस उसको सॉल्व करना है, बट ये क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि वो फिलिंग द ब्लैंक वाला जो रहता है ना, उस फॉर्मेट में दो इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। सेकेंड इज ईजी वाले वर्ड प्रॉब्लम्स। अब ईजी वाले वर्ड प्रॉब्लम स्पेसिफिक कौन से है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। प्रैक्टिस सेट 1.5 का ये क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना, इस प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स 2 marks के लिए लीनियर इक्वेशंस में पूछे जाएंगे। 3 mark से क्वेश्चंस की अगर बात करूँ, तो अगेन यहाँ पे दो चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले चीज़, तो अगेन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, बट दैट इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन हर साल आता है, बोर्ड्स में भी आता है, प्री बोर्ड्स में भी आता है, मिड टर्म में भी आएगा, और यहाँ पे आपको ये ग्राफिकल मेथड पक्का रहना चाहिए, मतलब परफेक्ट रहना चाहिए। दूसरी चीज इज वर्ड प्रॉब्लम्स, अगेन 3 marks के लिए भी पूछे जाएंगे, बट कौन से वर्ड प्रॉब्लम्स, अगेन एग्जाम्पल पे तौर पे बताता हूँ। प्रैक्टिस सेट 1.5 का ये क्वेश्चन नंबर 3 and 4 ध्यान से देख लेना, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछेंगे। नेक्स्ट इज सॉल्व एग्जांपल्स, दो बता रहा हूँ। सबसे पहले तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला, ये सॉल्व एग्जांपल और ये सॉल्व एग्जांपल नंबर 5। अब ये जितने भी चीजें मैंने आपको बताई, ये सारे चीजों को कंप्लीट करने के लिए आपका 3 से 4 दिन का ही समय जाना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम आपको देना नहीं है। एंड वेन आई एम सेइंग 3 to 4 days आपको इन्वेस्ट करना है, हर दिन का 2 घंटे का मैथमेटिक्स मैं कंसिडर कर रहा हूँ। इस मैथमेटिक्स के अलावा 2 घंटे आप अलग पढ़ाई कर रहे हो होंगे। अब उसी प्रकार से अगर नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करें विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1 mark वाले जो क्वेश्चन है, इस पे 2 चीजों पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले चीज, तो MCQs पूछे जाएंगे ना, जो 1-1 mark के, वो बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रहेंगे, एंड टू बी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी रहने वाले हैं, और वही MCQs रूट्स एंड नेचर ऑफ रूट्स पे भी रहने वाला है, ठीक है, ध्यान पे रखना। और नेचर ऑफ रूट्स के बाद में अगर दूसरी चीज की बात करूं, मतलब ये एमसीक्यू के बाद दूसरी चीज की बात करूं, तो 1 mark के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे, उसमें पूछेंगे कि इसमें जो के है इसकी वैल्यू जरूर फाइंड आउट करना, 1 mark के लिए पूछा जाता है, काफी ईजी पूछा जाता है।
नेक्स्ट अगर बात करें 2 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो यहां पे आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहली चीज तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के 2 मेथड्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, विच इज फॉर्मूला मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड। वाई दीज 2 मेथड्स? सबसे पहले तो ये 2 मेथड ईजी है, कन्वीनियंट है, और यही 2 मेथड आपको आगे भी यूज करना है। आगे यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोग पूछेंगे ना एग्जाम्स में, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, वो यही 2 मेथड्स रहेंगे। तो इन्हीं 2 मेथड्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स भी आगे पूछने वाले हैं, तो इन 2 मेथड्स को जो है वो परफेक्ट करना है। दूसरी चीज इज डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे उसका रूट्स जो आप लोग फाइंड कर रहे हो, उस रूट्स का क्या नेचर है ये आपको बताना जरूरी है, एंड बेस्ड ऑफ दैट नेचर ऑफ रूट्स आपको के की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए पूछे जाने वाले हैं। तो ये चीज जरूर दिमाग में ध्यान में रखना और उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तीसरी चीज जिस पे आपको ध्यान देना है, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। और इस डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसके बेस्ड पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करूँ, तो सिंपली वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस आपको करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर के अंडर। कौन से वर्ड प्रॉब्लम्स? अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो सॉल्व एग्जांपल 2 ये वाला, और उसके बाद प्रैक्टिस से 2.6 से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये 4 प्रकार जो मैंने आपको बताया, इस प्रकार के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और जो सारा चीज मैं आपको बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको कंप्लीट करना है, ये 4 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। 4 दिन से 1 दिन में ज्यादा आपको लेना नहीं है। अब हम लोग आते हैं अलजेब्रा के 3rd चैप्टर पे, विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर 1 मार्क के क्वेश्चंस की अगर बात करें, तो 2 चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले चीज तो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, या फिर जो 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बेसिक सी चीजों पे पूछे जाएंगे, सीक्वेंसेस, टर्म्स इन सीक्वेंसेस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, ठीक है। दूसरी चीज, एक्सरसाइज 3.1 में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ना, वो सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए ही पूछे जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस जरूर करना। पता तो होता है बट प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए सिली मिस्टेक्स हो जाती है, तो प्रैक्टिस जरूर करना है। दूसरी चीज यानी कि नेक्स्ट अगर बात करें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की, तो यहां पे अगेन आपको 2 चीजों पे ध्यान देना है, 2 ही चीजों पे ध्यान देना इस चैप्टर में 2 मार्क्स के लिए, nth टर्म ऑफ एपी और सम ऑफ n टर्म्स। अब nth टर्म ऑफ एपी में 3.2 के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चंस 3.2 के सॉल्व करने हैं जो 2 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं, या फिर 2 मार्क्स से ज्यादा के लिए भी पूछे जा रहे हैं, बट 3.2 के सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। सम ऑफ एन टर्म्स की अगर बात करें, तो 3.3 के पहले 5 क्वेश्चंस, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 3.3 के आप अगर प्रैक्टिस करते हो, तो वो 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर बन जाते हो। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की अगर बात करें, तो ये nth टर्म ऑफ एन एपी और सम ऑफ एन टर्म, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम सेट में मिलेंगे, और इनकी प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि 3 मार्क्स हमें क्वाड्रेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बिल्कुल भी मतलब लूज नहीं करने हैं, ठीक है। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की अगर बात करें, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में स्टार मार्क्ड वाले वर्ड प्रॉब्लम्स प्लस 3.4 के वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। बड़े वाले वर्ड प्रॉब्लम्स जो है 3.4 में, वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स और जो प्रॉब्लम सेट या फिर प्रैक्टिस सेट में जितने भी स्टार मार्क्ड वाले वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको अगर प्रैक्टिस करते हो, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की तैयारी आपकी हो जाएगी फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जितना भी ये झंझट मैंने आपको बताया जो करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, ये 4 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। अब अगर बात करें अलजेब्रा यानी मैथमेटिक्स 1 के लास्ट चैप्टर की, मिड टर्म एग्जाम्स के लास्ट चैप्टर की, विच इज फाइनेंशियल प्लानिंग, तो जब मैं आपके नोट्स बना रहा था ये फाइनेंशियल प्लानिंग, तब मुझे एक चीज समझ में आई कि ये चैप्टर काफी बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग रहने वाला है, और अभी आपके पास अगर टाइम कम है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि इस चैप्टर को पार्शियल प्रिपेयर करना, पार्शियल यानी कि आधा ही प्रिपेयर करना, और उसी के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब आधा ही प्रिपेयर करेंगे बट परफेक्टली प्रिपेयर करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके बेस पे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो सही सही हम लोग सॉल्व करके आएंगे, जिसमें 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए पेज नंबर 84 का ये टेबल, पेज नंबर 82 का ये टैक्स इनवॉइस, इसको ध्यान से पढ़ के ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसके बेस पे 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और इसके रिलेटेड जितने भी टर्म्स आपके टेक्स्ट बुक में थ्योरेटिकल डेटा में दिया गया है, उन सारे टर्म्स को भी प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि उन पे भी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1 मार्क के लिए। उसके बाद अगर बात करूं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए, तो 2 ही चीजें हैं। सबसे पहले तो जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड टैक्सेबल अमाउंट, जो पहला पार्ट है इस लेसन का,
इनके बेस्ट पे क्वेश्चंस, जिसमें आपको 4.1 के पहले 5 क्वेश्चंस और 4.1 के पहले वाले सॉल्व एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करते हो, सॉल्व करते हो, तो ये चीज़ आपका परफेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ अगर बात करूँ तो जीएसटी एंड ट्रेडिंग चिन, ये जो टॉपिक है जिसमें इनपुट एंड आउटपुट टैक्स भी दिया गया है, इस टॉपिक को प्रैक्टिस करने के लिए सॉल्व एग्जाम्पल 1 एंड 2 को प्रैक्टिस करिए, समझिए सबसे पहले ये दो सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद। उसके बाद 4.2 में इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, आई थिंक सो कुछ 4 या 5 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और इतना ही प्रिपरेशन आपको करना फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, और इतने ही प्रिपरेशन की बेस्ट पे आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको अटेम्प्ट करना है। और ये प्रिपरेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, पार्शियल प्रिपरेशन, ये 1 से 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। अब बारी आती है ज्योमेट्री यानी कि मैथमेटिक्स 2 में। अब यहाँ पे मैं आपको टॉपिक्स के नाम जरूर बताऊंगा, अब उनके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में आपको मिलते हैं, वेदर इट इज सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चंस, वेदर इट इज प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस या फिर प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस, वो आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, छोड़ने नहीं है, ठीक है। सिमिलरिटी, सबसे पहले चैप्टर की अगर बात करूं उसमें 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स इस टॉपिक के बेस पे 1 मार्क के क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं, आपको प्रिपेयर और प्रैक्टिस जरूर करना है। दूसरी चीज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस, उसके एक्सप्रेशन पे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने वाले हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो अगेन बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स, इसके बेस पे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जरूर जाने वाले हैं, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, इस प्रॉपर्टी के बेस पे भी आपके टेक्स्ट बुक में छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि बहुत ही आसान से क्वेश्चंस है, वो 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, जिसमें 3 या 4 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, आई थिंक सो 4 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी दिए, उन टेस्ट को प्रिपेयर करना यानी कि उनको समझना और उनके बेस पे क्वेश्चंस, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस 2 मार्क्स में पूछे जरूर जाएंगे। उसके बाद थ्योरम एंड एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जो लास्ट टॉपिक है, इस पे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस, बेसिकली उसके एक्सप्रेशन पे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फॉर 2 मार्क्स। बात करें अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जितने भी क्वेश्चंस है सिमिलरिटी के, प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जितने भी क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करके आप 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस, मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। और ये सारा मगजमारी जो आप करने वाले हो, ये 4 दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से बात करेंगे मैथमेटिक्स 2 के नेक्स्ट चैप्टर की, विच इज पाइथागोरस थ्योरम, ये जो कि आसान सा चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर, क्वेश्चंस भी आसानी से बन जाते हैं। इसमें अगर 1 मार्क के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम बेसिक वाला, जिसमें ac2 = ab + bc2, ये बेसिक वाला थ्योरम, मतलब ये बेसिक वाला फॉर्मूला, पाइथागोरियन ट्रिपलेट और थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जिसमें ये एक्सप्रेशन जो है, इसके बेस पे जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ये 3 टॉपिक्स को ध्यान में जरूर रखना। एंड उसके बाद एक एडिशनल चीज जो मैं बताना चाहता हूं, दैट इज प्रॉब्लम सेट के MCQs। ज्योमेट्री में, प्रॉब्लम सेट में जितने भी MCQs दिए गए हैं ना, उनको बढ़िया से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि MCQs में प्रॉब्लम बच्चे बस ज्योमेट्री में ही पाते हैं। एलजेब्रा के MCQs तो इजीली सॉल्व कर लेते हैं, बट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले प्रिपरेशन में अपने टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम सेट में जितने भी MCQs दिए उन्हें परफेक्टली प्रिपेयर करना है। उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की अगर बात करें पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर की, तो यहाँ पे 2 चीज़ों के ध्यान रखना है। सबसे पहले तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जिसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो किस प्रकार करेंगे, प्रैक्टिस सेट 2.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चंस की आपके प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 और 45, 45, 90, ये 2 प्रॉपर्टी की बेस पे छोटे छोटे और इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान होते हैं सॉल्व करने के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसके फॉर्मेट में, यानी कि जिस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम प्रॉब्लम सेट, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना। और अब अगर बात करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की, तो 2 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले चीज तो वो जो क्वेश्चंस है 2.1 में, ये क्वेश्चन नंबर 10, साथ ही साथ प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन जितने भी है इस चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए गए, वो सारे क्वेश्चन प्रूफ दैट वाले एक्टिविटी बेस्ड में जो है वो पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक वाले फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जितने आसान आसान वाले क्वेश्चन है, प्रूफ दैट वाले, शो दैट वाले, उन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड पे आपको पूछा जाएगा। दूसरी चीज़, स्टार मार्क्ड वाले जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट में से,
ये जो चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम, इसका प्रॉब्लम सेट में जितने भी स्टार मार्क्ड वाले क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करोगे तो 3 मार्क के क्वेश्चन का पार्शियल प्रिपरेशन आपका हो जाएगा, और बचा हुआ प्रिपरेशन ये पहले 2 चीज जो मैंने आपको बताया इसमें हो जाएगा। और ये सारी चीजें जो आपको कंप्लीट करनी है ये 2 से 3 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्री का 3rd चैप्टर विच इज सर्कल्स, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है और लेंथी चैप्टर है, काफी सारी चीजें पढ़ने के लिए दिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीजों को पढ़ना है कौन सी चीजों को इग्नोर करना है। मैं क्लियर करवा देता हूं, 1 मार्क के क्वेश्चंस को अगर प्रिपेयर करना है तो आपको यहां पे 4 चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले चीज तो MCQs आपको प्रॉब्लम सेट में जो दिए उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का जो एक्सप्रेशन है उसके बेस्ड पे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरी चीज इस टचिंग सर्कल से जो कंसेप्ट है, इसमें बेसिकली ये जो 3rd चैप्टर है 3.1 में पहले के 2-3 जो क्वेश्चन है टचिंग सर्कल इस कंसेप्ट के अंडर वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसके बेस पे 1 मार्क के लिए क्वेश्चन सब परफेक्ट हो जाओगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे भी बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बेस पे 1 मार्क के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उसमें से एक हाथ एक्सप्रेशन के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रैक्टिस जरूर करना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे 1, 2, 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल एंड कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल, ये जो कॉन्सेप्ट है ये पेज नंबर 79 पे दिया गया है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो 2 कॉन्सेप्ट दिए गए पेज नंबर 79 पे, इसके बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो वो क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड हो सकता है, फिलिंग द ब्लैंक वाला क्वेश्चन हो सकता है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, एक्टिविटी बेस्ड भी हो सकता है। दूसरी चीज इस टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है, अब इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन एक पूछा जाएगा या फिर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा थ्योरम। तीसरी चीज की अगर बात करें तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, अगेन इस इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पे आपका 1 मार्क का क्वेश्चन तो पूछा गया ही गया है, उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछा जाएगा छोटा वाला, या फिर वही छोटा वाला क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक के फॉर्मेट में पूछा जाएगा। और उसी चैप्टर के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो 3.4 से पूछा जा रहा है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो प्रैक्टिस जरूर करना। सेकंड चीज जिस पे आपको ध्यान देना है दैट इज प्रैक्टिस सेट 3.5 के पहले 3 क्वेश्चन, 3.5 के ये पहले 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है तो वो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के अंडर आ जाएंगे। तीसरी चीज अगेन यहां पर भी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम आ चुका है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम 3.4 पूरा एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करना है, जिसकी बेस्ट पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंडर होने वाले हैं। उसके बाद चौथी चीज इस क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम 3.2 प्रैक्टिस सेट 3.2 का ये क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इतना प्रैक्टिस करिएगा कि इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे ये क्वेश्चन नंबर 5 के फॉर्मेट में जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपके सही सही आने चाहिए। बात करें अगर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन की, अब देखो व्हाट आई वुड से सर्कल्स बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आपके पास टाइम है और आप क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो इन चीज़ों को देखिएगा, वरना आप इसे इग्नोर भी कर देते हो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की प्रिपरेशन को तो भी चलेगा, बट अगर प्रिपेयर करना चाहते हो आपके पास अगर टाइम बचा है तो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा, इन क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम योर प्रॉब्लम सेट, 18 फ्रॉम योर प्रॉब्लम सेट, 22, 23, 24 एंड 25 फ्रॉम योर प्रॉब्लम सेट, इज दैट क्लियर फॉर यू। और यही सारी चीजें जो सर्कल्स में आपको बता रहा हूं, इतनी सारी चीजें प्रिपेयर करने के लिए आपको 4 से 5 दिन का समय लेना है। अब इन 4 से 5 दिनों में अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, बट इन्हीं 4 से 5 दिनों में इसके लिए टाइम नहीं मिलता है तो इस चीज को इग्नोर भी करोगे तो भी चलेगा। अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन की, सबसे आसान चैप्टर है ज्योमेट्रिक का। अब ये ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में प्रैक्टिस सेट 4.1, 4.2, प्रॉब्लम सेट 4, ये तीनों चीजों में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये चैप्टर है तो बहुत आसान, सारे बच्चों को क्वेश्चंस आते हैं बट प्रैक्टिस कम होता है इसलिए सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। अब वो प्रैक्टिस कम नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस सेट 4.1 के जितने क्वेश्चंस हैं सारे सॉल्व करेंगे, 4.2 के जितने क्वेश्चंस हैं सारे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सेट 4 के जितने क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग द MCQs सारे सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और ये सारी चीज आपके 1 से 2 दिन में हो जानी चाहिए, इज दैट क्लियर फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, अगले 25 से 30 दिनों का मास्टर क्लास मैंने आपको समझा दिया है और पूरे मैथमेटिक्स 1 एंड 2 का ब्लू प्रिंट मैंने आपको दे दिया है, जिसके बेस पे पेपर बनने वाला है। अब आपकी बारी है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इन गोल्स के करीब आने वाले हो। और मुझे ये भी पता है ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी ये ब्लू प्रिंट मिल सके, साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।